दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके घरों में लगी जो LCD है, LED है, जिसका आकार आपकी दीवार के बराबर है, वो अभी खराब हो जाती है तो उसको कैसे हम बचाएं, क्या वो सावधानी रखें जिससे कि जो आपकी LED है, LCD है, वो अच्छी तरह से चलती रहे और आपका जो रुपया है वो बर्बाद ना जाए। मेरे साथ रविंद्र सराठे जी हैं, ये एक टेक्नीशियन है और तकरीबन 30 वर्षों का इन्हें टीवी के रिपेयरिंग में, कंप्यूटर के रिपेयरिंग में अनुभव है। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की जो असावधानियां हैं, किस तरह की लापरवाहियां हैं जिसके कारण जो हमारी टीवी स्क्रीन है वो ख़राब हो जाती है। मोस्टली सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इसको जो नमी वगैरह रहती है मॉइस्चर, उससे बचाया जाए और उसके साथ साथ में कोई बच्चे वगैरह जो है तो पैनल इसकी डिस्प्ले जो स्क्रीन है तो वो बहुत ही नाजुक रहती है। अच्छा। तो उसमें किसी प्रकार की चोट या कोई चपेट वगैरह अच्छा। वो ना लगे और बाकी कुछ नहीं। और रही बात क्या कि ये अपना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करंट वाली बात, तो ये LED TV में जो चाइना के एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं तो उन्होंने इसके पावर सिक्वेंस को कुछ एक ऐसा बनाया है कि वोल्टेज थोड़ा बहुत अप डाउन होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वोल्टेज से कोई समस्या नहीं है, सावधानी रखनी है आपको डिस्प्ले को लेकर, नमी से आपको अपनी TV को, अपनी LCD को बचाना है। जैसे आपने वोल्टेज की बात करी, मुख्यतः कहाँ पर समस्या आती है तो TV बंद हो जाती है? देखो ये वोल्टेज वाली समस्या जो है पावर सप्लाई की, वो 70% आपको नहीं मिलती। अच्छा। 70% समस्या रहती है आपको पैनल रिलेटेड। तो जैसे मतलब क्या कि आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि बोले वर्टिकल वार्स आ रहे हैं, मतलब हिंदी में एग्जांपल आड़ी लाइनें आ रही हैं या खड़ी आ रही हैं, तो रिपेयर कराने के लिए उसको जो कस्टमर है वो शॉप पर जाते हैं तो सीधी एक ही बात निकलती है, बोले सर कि आपका पैनल ख़राब है। अच्छा। तो ऐसा नहीं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वार्स वगैरह जो आ रहे हैं या कोई मतलब क्या कि स्लो मोशन है, फ्रीजिंग है, जंपिंग वगैरह है, तो ये सभी मतलब जंपिंग मतलब ऐसे ऐसे लहर मारने लगे अगर आपकी TV स्क्रीन, और कभी कभी क्या कि पिक्चर रुक रुक कर चलती है तो लोग ये बोलते हैं कि इसका डिस्प्ले, तो वो कुछ नहीं। इसमें क्या होता है कि मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे अभी ये डिस्प्ले है तो होता है प्रॉपरली तो मैं आपको डीपली नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसमें क्या कि वर्टिकल वार्स है। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें एक कॉफ लगी है और इसके अंदर सिलिकॉन की IC है। अच्छा। तो इसमें होता क्या है कि मॉइस्चर और ये नमी की वजह से तो यहाँ क्या है कि मतलब हीटिंग के कारण ये स्पार्क हो जाती है। अभी आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे वहाँ वो ब्लैक टाइप का वर्न एरिया दिख रहा है, तो इसको क्या है कि अपन ने ये कॉफ वगैरह चेंज की। अच्छा। और इसके बाद में अपना ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अच्छा। तो इसके लिए बस और बाकी कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि जो पैनल प्रॉब्लम के लिए मशीन जो है ये कॉस्टली आती है। अच्छा। और बाकी क्या कि यदि पैनल से रिलेटेड यदि कोई समस्या है तो लोगों को या तो जबलपुर या भोपाल जाना पड़ता है। अच्छा। मुख्यतः जैसे आपने बताई समस्या वर्टिकल आती है, हॉरिजॉन्टल आती है, और जो हम लोग हैं वो कई बार क्या होते हैं किसी भी रिपेयर शॉप पर जाते हैं और वो सीधा कह देते हैं भैया आपकी जो टीवी स्क्रीन है वो ख़राब हो गई है, जबकि ऐसा नहीं रहता है। नहीं, ऐसा नहीं रहता। 90% क्या है कि स्क्रीन में रिपेयर होने के चांसेस रहते हैं, सिर्फ ओनली 10% जो है जैसे किसी के में कभी कभी अपन देखते हैं ब्लैक गोल स्पॉट जो है वो आ जाते हैं, वो नॉट रिपेयरेबल है। अच्छा। और इसके बाद में जो स्क्रीन यदि क्या कि कोई एक्सीडेंटल वगैरह ब्रेक हो गई है तो वो तो चाइना वाले भी नहीं कर पाएंगे, अपन तो फिर छोटी मोटी बात है। अच्छा, जैसे अगर कोई आपका जो डिस्प्ले है अगर वो टूट जाता है तभी की स्थिति में माना जाए कि ये खराब हो चुका है। जी बिल्कुल। नहीं तो उसके अलावा जैसे अभी आपने बताई अगर लहर आ रही है या पिक्चर से रिलेटिव कलर ठीक नहीं आ रहा है तो ये मान के चलें कि इसको रिपेयर होने की संभावना है, 90% संभावना है रिपेयर होने की। किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है जो जितने भी मैकेनिक हैं उनके द्वारा? नहीं, इसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई पिक्चर प्रॉब्लम रहती है तो कोई कोई पैनल जो है वो 5 वोल्ट के होते हैं, कोई 12 वोल्ट के होते हैं, तो किसी कारण बस नमी के कारण या उसमें डस्ट लग गई है तो उसमें यदि क्या कि अपनी पावर सप्लाई जो 5 वोल्ट या 12 वोल्ट जाती है यदि वो मिसिंग होती है तो भी आपको फॉल्ट वही क्रिएट होगा जो पैनल रिलेटेड है, बोले कि सर इसका पैनल ख़राब है। तो उसमें भी क्या है कि अपन LVDS वगैरह जो केबल रहती है, बहुत सी चीज़ें हैं जो
उतना बता पाना बहुत मुश्किल है। तो उनकी मिसिंग के कारण भी ऐसे ही होता है जैसे मतलब कि आपका डिस्प्ले खराब हो चुका है। ये मान के चलें कि यदि टेलीविजन में 70% कुछ भी रुकावट आ रही है, कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, तो वो उसका हम रिपेयरमेंट करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल आराम से। अच्छा, ज़्यादातर हमें ध्यान रखना है नमी का। सबसे मोस्टली मालूम किया कि यदि LED को आपने यदि नमी और डस्ट से बचा लिया तो आपकी LED की लाइफ सर्विस अच्छी रहेगी। अच्छा, ऊपर जो छिद्र रहते हैं LED के ऊपर, जैसे आपने कहा डस्ट से बचाना है, तो ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा सा एयर पास होने के लिए ऊपर जो टेलीविज़न है उसके पीछे साइड छेद रहते हैं उनको कवर नहीं करना होता है, उनके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? नहीं, उनके लिए क्या है कि मतलब उतना मतलब वो नहीं, क्या कि मतलब कुछ LED के पास यदि फ़ैन लगा है तो भी डस्ट वहाँ जाएगी। तो ऐसा थोड़ी कि मतलब सभी मतलब फ़ैन वगैरह जो LED के पास में है, और कभी यदि क्या कि सूखे उस जो ऊपर के जो छेद हैं जैसे हम देख पाए देखेंगे पीछे उसमें कैबिनेट में उसमें छेद रहते हैं, तो उनको कवर करना है कि उन्हें कवर नहीं करना? नहीं, उनको कवर नहीं करना, क्योंकि थोड़ा तो मतलब यार अंदर बाहर जाना चाहिए। अच्छा। यदि वो यदि क्या कि उनको यदि अपन ने पैक कर दिया तो पर अपनी TV क्या कि ओवर हीट होने लगेगी, लेकिन फिर पूरी की पूरी डस्ट तो वहीं से जाएगी जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब बहुत सारी मतलब ऐसी इक्विपमेंट है जो अपने पास में मतलब कि ब्लोवर मशीन वगैरह भी रहती है, तो अपन जैसे अपन अपनी घर की सफाई वगैरह करते हैं तो उठाकर मतलब बिजली में फंसा कर दोबारा उस पर प्रेशर मार दिया डस्ट बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, और कौन कौन सी सावधानी हम घर पे रख सकते हैं जिससे कि जो हमारी LED है वो अच्छी तरह से चल सके? अच्छे से चलने के लिए सिर्फ ओनली क्या है कि जैसे मतलब ये मास्टर वगैरह वो बरसात का काम है, बाकी और कभी नहीं है। और बाकी थोड़े मतलब बच्चे वगैरह कोई भी वॉल वगैरह है या कुछ ही मतलब फेंक के मार देते हैं तो वो चीज़ नहीं लगनी चाहिए, और बाकी ऐसा कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है। और कभी भी मतलब क्या कि यदि अपनी स्क्रीन गंदी यदि दिख रही है तो उसको बगैर टेक्नीशियन की सहायता से उसको क्लीन नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि अपन ने कपड़े में थोड़ा सा पानी लिया और उसको पोंछ दिया, वो नहीं करना। अच्छा, सबसे ज़्यादा ख़राब होने की वजह यही है और बाकी कुछ नहीं। उससे क्या होता है कि अपना जो पानी उतरता है तो वो सीधा कॉप पर पहुंच जाता है, उसकी फिल्म पर। अच्छा, कई बार क्या होता है जैसे एकदम चरचराने की आवाज़ आती है ख़ासतौर से इन बरसात के दिनों में, क्योंकि जैसे दीवार है उसमें नमी नहीं है लेकिन एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या टेलीविज़न पर पड़ता है? हाँ पड़ता है उसका। तो फिर कैसे चलाए मतलब, फिर तो बरसात में टेलीविज़न को चालू करना ही नहीं चाहिए? नहीं, फैन वगैरह जो रहते हैं तो जो मास्टर जो होती है तो ऐसा नहीं कि जैसे मतलब क्या कि एक हवा के कारण मतलब प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन जो यदि मास्टर रहता है तो उस मास्टर को भी हवा ही शांत करती है। अच्छा अच्छा, आपने भी देखा होगा कहीं मतलब क्या यदि कोई भाप जम रही है कुछ हो रहा हो उसमें अपनी अलग से यदि एयर जाती है तो वो शांत हो जाती है। तो फिर कैसे पता चले कि टेलीविज़न में नमी आ चुकी है और वो ख़राब होने वाली है? तो उसमें मालूम क्या कि यदि नमी आ चुकी है और ख़राब होने वाली है तो उसके लिए मालूम क्या है कि थोड़ा डिस्प्ले पे जैसे मतलब आपने देखो कभी मतलब दाना आ रहा है या कोई झपक में मतलब एक कोई लाइन टाइप की चल रही है कुछ है, तो उसके लिए थोड़ा क्या है कि मतलब धूप धूप में रख दो आप, या फिर जो भी कोई टेक्नीशियन है आपके नियर बाई पास में तो उनको आप दिखा सकते हैं। अच्छा अच्छा, और बाकी यदि क्या कि आप आना चाहते हो तो यहाँ मैं भी बैठा हूँ। रविंद्र जी, आप मुझे ये बताइए जो मशीन यहाँ पर बड़ी सी दिख रही है ये किस काम आती है और इससे किस तरह का उपाय हम कर सकते हैं? जी संजय जी, ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसको बोलते हैं अपन ACF कॉफ वार्निंग मशीन। अच्छा, तो जैसे मालूम क्या है कि पैनल में मतलब किसी भी टाइप की मतलब क्या है कि प्रॉब्लम यदि है और वो नॉर्मली क्या है कि अपन ने ऐसे यदि देखा नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये स्केलर PCB है। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक वोल्टेजेस और सिग्नल रहते हैं तो मिसिंग होते हैं। मिसिंग क्यों होते हैं कि ये कॉफ जो है इसमें एक सिलिकॉन IC लगी है, तो यहाँ स्पार्क की वजह से या जो भी मतलब क्या है कि ओवरहीटिंग के कारण तो इस टाइप से मतलब ब्लैक हो जाती है। अच्छा, तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है, तो उसी के लिए ये मशीन लगाया गया है ताकि क्या है कि अपन कम से कम रुपए में जो अपना पैनल मतलब कई टेक्नीशियन लोग बोलते हैं कि सर आपका ये ख़राब हो गया है, तो वो ख़राब नहीं, अपन उसको 70% रिकवरी करने की कोशिश पूरी पूरी करते हैं। अच्छा, और इससे होता है जी। आप चूंकि 30 सालों से टेलीविज़न के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छा खासा आपको अनुभव है, किस तरह का काम आपके यहाँ पर होता है? मेरे यहाँ पर काम पहले मतलब जो सेटअप वगैरह नहीं था तो मैं मैनुअली हाथ से काम करता था, वो लगभग 30-40% काम होता था रिपेयर का। और कस्टमर जो हैं बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब कि हार्ड वर्क मेरे पास में है, तो पहले मतलब ये था। और बाकी अब ये लगने के बाद में और अपने यहाँ काम के लिए कोई मतलब क्या कि पावर सप्लाई का है, ऑडियो का है, और इसके बाद में कोई वीडियो रिलेटेड है, इसके बाद में सॉफ्टवेयर है, तो जो भी मतलब है नहीं कोई भी प्रॉब्लम हो
टोटल सॉल्व है। मतलब छोटी से बड़ी कितनी ही बड़ी एलसीडी हो एलईडी हो उसको आप ठीक कर देंगे। जी बिल्कुल सर। यदि क्या कि सबसे मेन क्या है कि मतलब डिस्प्ले सबसे मेन जड़ है, तो उसका भी अपने पास में काम है। और यदि किसी का यदि डिस्प्ले टोटल ब्रेक हो चुका है, टूटा हुआ है, तो उसके लिए अपने पास में ऑल साइज के डिस्प्ले जो है वो अवेलेबल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना रविंद्र सराठे जी से कि किस तरह से हम अपने टेलीविज़न को बचा सकते हैं, ताकि जो 50,000 रुपए की हमारी एलसीडी है एलईडी है जो हमारा मनोरंजन करती है वो हम अच्छी तरह से घर में रख सकें। जो सावधानियां रविंद्र जी ने बताई वो आप घर में रखिए, ताकि जो आपकी एलईडी है टेलीविज़न है वो वर्षों तक इसी तरह से आपको सर्विस देती रहे। और भी अगर किसी भी तरह की कोई खराबी है तो परेशान मत होइएगा। रविंद्र सराठे जी ने जिस तरह से बताया कि सारा का सारा काम उनके यहाँ पर होता है। अभी हम मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की बनखेड़ी तहसील के गणेश धाम बाचावानी गांव में हैं और ये यहीं पर घर से अपना काम करते हैं। यदि आपको अपने टेलीविज़न से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, एंड्रॉयड मोबाइल से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए फ़ोन से रिलेटिव, तो जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर आ रहा है रविंद्र जी का, आप उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। यदि आपके टेलीविज़न में इसी तरह का कोई फॉल्ट है, ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, तो उसको आप कहीं पर मत ले जाइए, रविंद्र जी के पास आइए, आप उसे दिखा सकते हैं और बहुत कम दामों में आपको आपका टेलीविजन सुधारा हुआ मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की जो वीडियोस हैं वो अच्छी अच्छी जानकारियां हैं खबरें हैं वो आपके मोबाइल में लगातार आ सकें। और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपके मोबाइल में लगातार खबरें आ सके। मैं हूं संजय वैष्णव, एनवी टीवी पर आप ये आज की महत्वपूर्ण जानकारी देख रहे हैं। नमस्कार।